तो आज है वीकेंड, मतलब बहुत ही स्पेशल कोई जगह ही होगा, तो थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है और डे लाइट में वो कैसा दिखता है वो भी पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। धूप तो काफी निकला हुआ है, इस धूप में सनबर्न के साथ साथ अटल ब्रिज को भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। मजा कर रहा था, अटल ब्रिज के बाद हम लोग को कुछ और भी जगह जाना है। कल रात से चालू हुआ है इनका और अभी तक इनका खत्म नहीं हुआ, फाइनल बोल के अभी चालू ही है। तो इस बार पार्किंग तो काफी फुल है, जब वेस्ट में आते तो मजा आता। तो काफी महीने बाद मैं इधर आया हूँ, वेस्ट साइड में जगह पे घूमने के लिए आया। अभी देखते हैं फिर वहाँ पे, और बगल में ही कार्निवल चल रहा है इसलिए भीड़ भी काफी ज्यादा है। अच्छा लग रहा है कि कुछ मेला बसा हुआ है, इवेंट मतलब प्रॉपर इवेंट, वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, वहाँ पे घोड़े की सवारी चल रही है, मजा तो आएगा। और जितना मैं डे लाइट सोच के आया था उतना तो मिल ही गया है। मैंने जितने भी वीडियोस देख के आया था वहाँ पे देखा कि ये सब अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन शायद मेंटेनेंस के चलते यहाँ पे कुछ टिकट्स वगैरह है अभी। यहाँ पे किस लिए है, क्राउड तो इतना ज्यादा है नहीं कि मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन पता नहीं ये शायद सिर्फ शो के लिए ही लेके आया। बहुत अच्छा लग रहा है, उनके लिए जगह भी डेडिकेटेड छोड़ा गया है। नीचे जाएंगे तो थोड़ा साइकिलिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा आगे से ही मिल रहा है वो, लेकिन ठीक है अभी आगे देखते हैं, अगर टाइम मिला तो वो भी थोड़ा बहुत करेंगे। ये ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया इसको लॉन्च हुए, तो इसीलिए शायद आज पब्लिक थोड़ा कम ही लग रहा है, और या भी ये हो सकता है कि अभी तक अंधेरा हुआ नहीं है, उसके बाद शायद पब्लिक आना ज़्यादा चालू हो जाए। हमारे चैनल पे भी एक वीडियो है जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे, ये फ्लावर पार्क वाला वीडियो में ये आपको दिखेगा, लेकिन तब ओपन नहीं हुआ था। और अब हमारे मतलब टाइम कितना जल्दी चला जाता है, वहाँ पे टिकट ऐसे आते हैं, ये रहा वहाँ पे टिकट है, ले लिया, दिखाओ टिकट, देखो एकदम सर्टिफाइड। मजा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत आगे चला गया है तो शॉट लेने आगे आगे, बहुत मजा आ रहा है, नहीं बहुत अच्छी जगह। एक मजेदार चीज दिखाता हूँ मैं आपको, पानी है नीचे पूरा, मेरा पैर का अगर टूट के गिर जाता नीचे तो क्रिएटिविटी कमी तो है नहीं हमारे हिंदुस्तान में। नया चीज़ बनी नहीं है और लोगों की पेंटिंग चालू हो गई इस पर। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि आइए देखिए और खूबसूरत चीज़ों को खूबसूरत रखिए, क्योंकि आपको देख के कोई और भी यही चीज़ स्टार्ट करेगा, और आपके देश की चीज़ें तो जितना हो सके साफ सुथरा रखिए उसको। तो हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अरे ये ब्रिज हिल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वेट की वजह से शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन फील करना हिल रही है थोड़ा बहुत तो रहेगा। ये एक कैंटिलीवर है, मतलब जिस प्रिंसिपल पे अपना जो हावड़ा ब्रिज वही सेम प्रिंसिपल पे यही है। अच्छा यहाँ पे दो सपोर्ट है नीचे, मुझे लगा ये पूरा कैंटिलीवर है। सिंगल चीज़ यहाँ की ट्रैफिक डेंसिटी में काफ़ी बदलाव आ गई, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पे मुश्किल से एक दो ही इंसान देखने को मिला था, लेकिन अभी तो देखो यहाँ पे भीड़ कितनी लगी है।
ये अच्छी बात है कि ये जो चीज़ है, मतलब एज एन इंजीनियर ये मुझे भी काफ़ी प्राउड फील कराता है। तो कैसा लगा, कैसा लगा रिव्यू दो। बस इंजीनियरिंग की एक और अजूबा देखने को मिल गई। मतलब ऐसा ब्रिज आपने कितना बार देखा होगा अभी तक। सुंदर तो है, काफी सुंदर है। ये वाला कैब का खासियत क्या है पता है, ये जितने भी ड्राइवर्स होते हैं ना पिंक कैब में, वो सारे लेडी ड्राइवर होते हैं। और इसका जो पैम्पलेट है जो तेरे हाथ में, ये उन्होंने ही दिया मुझे। ये देखो इतनी सारी बाइक के बीच में हमारा बाइक खो गया, सौरव को नहीं मिल रहा, काफी टाइम से वो ढूंढ रहा है कि हमारा बाइक किधर है। मिला मिला हाँ। अब लो क्या ही करे, इसमें सब एक जैसे दिख रहे। मिला कि नहीं, ये देखो यहाँ पे फाइनली हमें मिल गई है। इतने टाइम में तीन चार रो बन गई, देखो चार 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 नहीं पांच। फुल सौदेबाजी चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लेट हो रहा है, जल्दी चलो। नहीं, इनको तो अभी कुछ ना कुछ यहाँ पे खिलाना है। तो मैंने क्या खराब बोला, कुछ खिलाओगे पिलाओगे एनर्जी आएगा तब ना मजा आएगा, ऐसे थोड़ी ना फ्री में काम करेंगे। नवरात्रि के भीड़ है, इतने भीड़, वैसे तो भीड़ होता ही है लेकिन स्पेशली नवरात्रि की वजह से ज्यादा भीड़ है। तो हम लोग हैंडलूम आए हैं, यहाँ पे तो काफी ज्यादा भीड़ है, सौरभ गए हैं पार्किंग में। तो अभी थोड़ी देर पहले सौरभ खो गया था भीड़ में, मैं उसको भागते भागते ढूंढ के लेके आई, वो तो किधर उल्टे तरफ ही जा रहा था। मेले में जैसे घूम हो जाता है ऐसे बोल रही हो, तीन साल हो गया शादी करके, तो मतलब भीड़ में खो जाऊंगा तो ढूंढ नहीं पाओगे ऐसा। हाँ ढूंढ तो दिया, खोने नहीं दिया, ढूंढ लिया। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, हाँ फेस्टिव लुक लग रहा है ऐसा। इधर तरफ घूम के दिखाओ, इधर घूम के दिखाओ। लेकिन यही मतलब फिटिंग्स आया है, अच्छा फिटिंग्स आया है, यही फाइनल है। वीकेंड में घूमने आने का यही तो फायदा है, चारों तरफ ट्रैफिक, पार्किंग कोई जगह है नहीं और भीड़ तो इतना है। थोड़ा बहुत आप लोगों को तो दिखाई होगा, खुशियों का रास्ता, खुशियों का सड़क, जो भी बोल सकते हैं आप लोग, हैप्पी स्ट्रीट। ये लॉ गार्डन में है और ये फेमस है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट फूड के लिए। तो आज हम लोग का ऐसा ही प्लान है कि आज मतलब हम लोग बाहर ही अपना डिनर निपटाएं, अभी देखते हैं फिर कहाँ पे। जैसे तैसे मुझे एक जगह तो मिल गई है रोड साइड पार्किंग के लिए, हालांकि ये वैलिड पार्किंग नहीं है लेकिन आज क्राउड ज़्यादा है तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी फिर देखते हैं आज कौन सा खाना खाना है और मैडम का क्या फरमाइश है वो। तो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है, हमने डिसाइड तो कर लिया कहाँ पे खाना है लेकिन इधर भी वेटिंग है, लेकिन हम आए हैं तो खाना खा के जाएंगे। ये हैप्पी स्ट्रीट कम केओस स्ट्रीट ज़्यादा है, आसपास केओस इतना ज़्यादा है, वेटिंग भी काफ़ी है। मतलब हमें टेबल मिलते मिलते करीब 5-7 मिनट लग गया, मन था यहाँ पे ट्राई करने का तो एक बार मौका मिल गया। आज देखते हैं फिर खाने का टेस्ट कैसा है। क्या लग रहा है क्वांटिटी देख के? मुझे लग रहा है घर में जाके मुझसे खाना बनाना पड़ेगा। पूरा दिन इतना धूप में घूमने के बाद अगर खाने का क्वांटिटी इतना हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अगर पेट नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे। अभी आगे जाके फिर से मुझे कहीं पे खाना ढूंढना पड़ेगा, या फिर रेस्टोरेंट या फिर घर पे जाके फिर से वापस बनाना पड़ेगा। मनपसंद खाना मिला, अच्छा था खाना और क्वांटिटी भी कम नहीं था, बहुत अच्छा क्वांटिटी था, मतलब दाम के हिसाब से टेस्ट भी सही था। इतना चिल्लम चिल्ली थोड़ा शांति होता तो अच्छा होता, एम्बियंस और अच्छा मिलता तो अच्छा होता। इतना हसल के अंदर खाना पसंद नहीं आया, कम से कम थोड़ा ठंडी वाला एसी चलता। चलो ये तो वही 5 रुपये वाला कौवा बिरयानी वाला सीन है, यहाँ पे कहाँ इतना कुछ मिलेगा। पूरा दिन बहुत ही अच्छा था और जो हम लोगों ने प्लान किए थे वो सब कुछ हम लोगों ने फुलफिल किया, मतलब जितने भी जगह पे हम लोगों को विजिट करना था वो सब कुछ किया। अभी थकान तो काफ़ी है, घर जाके शायद मैं सो ही जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना।
हम लोग थोड़ा रुके थे नाइट का जो व्यू है वो लेने के लिए, मतलब रास्ते में ही जा रहे थे रिटर्न में, तो दिखा हमें, तो हम रुक के थोड़ा हमने सोचा कि हम आपको दिखा देते हैं।